हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। इसमें हमारा पहला है जब प्रकाश किरण अनंत से आती है। तो आइए इसे समझते हैं। ये आपका हो गया अवतल लेंस। ये आपका हो गया मेन एक्सिस। ये आपका हो गया मेन एक्सिस। ये आपका F1, F2, फिर आपका हो गया 2F1, सॉरी 2F1, F2, 2F2। तो जब प्रकाश किरण अनंत से आती है तो ये आपका लाइट रे है। अनंत से आया तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट रे एक दूसरे को काट नहीं रही है। इसका मतलब इधर साइड में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फिर हम लोग इसको इस लाइट रे को ऐसे बढ़ाते हैं इधर आगे। यहाँ पे फिर देखते हैं कि लाइट रे है वो फोकस पे काट रही है, F1 पे काट रही है। तो यहाँ पे देखते फिर, तो यहाँ पे जब लाइट रे काटेगी तो फिर इसका प्रकृति स्थिति और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो क्या होगा उसे हम लोग फिर जानते हैं। तो पहला आपका होता है स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे हो जा रही है? F1 पे। सेकेंड आपका हो जाएगा कि प्रतिबिंब का जो साइज है, साइज क्या है आपका, वो देखेंगे कि एक बिंदु के साइज का है। तो आपका साइज हो जाएगा बिंदु साइज। फिर उसके बाद प्रकृति क्या हो जाएगा? तो प्रकृति आपका हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे कि लाइट रे जो है वो ओरिजिनल में तो इधर जा रही है और इधर जा रही है, उधर काट नहीं रहा है लाइट रे। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट रे इमेजिन कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, लाइट रे काल्पनिक हो गया। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक। और प्रतिबिंब जब भी काल्पनिक होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है तो सीधा होता है। तो प्रकृति उसका क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। तो इस प्रकार हमने समझा कि जब प्रकाश किरण अनंत से आती है उसका उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज क्या होती है। गाइस, नेक्स्ट है हमारा जब वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र ओ के बीच में होती है। तो फिर हम लोग देखते हैं इसे। ये हमारा हो गया अवतल लेंस। ये हो गया हमारा मेन एक्सिस, प्रकाशित केंद्र ओ, F2, 2F2। फिर इधर आपका हो गया F1, 2F1। तो जब वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र ओ, यहाँ और अनंत के बीच कहीं भी वस्तु हो सकती है। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए 2F1 पर वस्तु को ले लेते हैं। ये हो गया ए, भी ए भी एक वस्तु है और ये ऐसे लाइट रह गया। और फिर एक लाइट रे आपका ऐसे जाता है। तो यहाँ पे फिर देखेंगे गाइस कि ये दोनों फिर एक दूसरे को नहीं काट रहा है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस लाइट रे को इमेजिनरी रूप से पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं
ये जो लाइट है, लाइट रे, लाइटर देखते हैं यहाँ पे काट रहा है, तो ये कहाँ पे काट रहा है, F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच। तो ये आपका हो गया B डैश और E डैश। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो प्रतिबिंब का स्थिति क्या है, स्थिति है आपका F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच। तो ये आपका स्थिति हो जाएगा F1 और O के बीच, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोकस के अंदर, फोकस के अंदर। सेकेंड आपका साइज क्या हो जा रहा है, वस्तु का साइज देखिए कितना बड़ा और प्रतिबिंब का साइज उससे छोटा है। तो साइज आपका हो गया वस्तु से छोटा। और फिर प्रकृति क्या हो गया आपका, प्रति प्रकृति हम लोग देखेंगे क्या कि प्रतिबिंब का जो लाइट है, सॉरी जो वस्तु का जो लाइट है वो तो बाहर निकल रहा है इधर, मगर वो काट नहीं रहा है एक दूसरे को, लेकिन हम लोग इसे इमेजिनरी रूप से कर रहे हैं। और प्रतिबिंब जब भी ऊपर बनता है तो वो हमेशा सीधा होता है, और प्रतिबिंब जब भी सीधा होता है यानी काल्पनिक होता है, और काल्पनिक होता है यानी सीधा होता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे क्या है, सीधा और काल्पनिक। प्रतिबिंब आपका हो जाएगा सीधा एवं काल्पनिक। तो इस प्रकार हमने जाना कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में जब वस्तुएं होती है तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग सिचुएशन में किस किस टाइप का बनता है। गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय लेंसों में चिन्ह परिपाटी। तो इस टॉपिक का मेन मोटो यही है कि इसमें बताया जाएगा कि हम लोग को वस्तु किधर रखना है, फिर लेंस से बाई ओर क्या है, लेंस से बाई दाई ओर क्या है। तो पहला है हमारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो है आपका उत्तल लेंस है, एक प्रकार का गोलीय लेंस है, और इस प्रकार के लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहला कि सबसे जितना भी है, पहला रूल बोल रहा है कि जितना भी वस्तु है, मतलब तो कोई भी वस्तु जब हम लोग लेते हैं प्रति आईने के सामने, तो वस्तु को हमेशा इसके गोलीय लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। तो सपोज ये आपका कोई भी वस्तु हो गया, ये भी एक वस्तु है। सेकेंड बोल रहा है कि सभी लेंसों को, सॉरी सभी दूरी, जितना भी वस्तु का कोई भी दूरी होगा, सपोज यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, तो सारा जितना भी वस्तु का दूरी रहेगा वो ओ से मापा जाएगा। तो वस्तु का दूरी हमेशा ये रहेगा, यहाँ से होगा। इस दूरी को हम लोग बोलते हैं यू से डिनोट करते हैं। फिर हो गया आपका लेंस के बाईं ओर, लेंस के दाईं ओर मापी गई दूरियाँ धनात्मक तथा, और मतलब जो भी ये ओरिजिन है मतलब कि प्रकाशित केंद्र, तो इसके राइट साइड में, राइट साइड में जितना भी इधर का क्या बोलते हैं डिस्टेंस होगा वो सारा पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जितना भी इधर साइड होगा वो आपका नेगेटिव होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि F1 आपका और 2F2 जो है वो नेगेटिव दूरी है प्रकाशित केंद्र से, और इसका जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव डिस्टेंस है। फिर उसके बाद है आपका कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। फिर नेक्स्ट है आपका कि ये जो है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष इसके ऊपर जितना है सारा पॉजिटिव है, और इससे नीचे जितना है सारा नेगेटिव है। तो ये थे आपके कुछ पैरामीटर्स जिसको हम लोग को याद करना है ताकि हम लोग लेंस का फॉर्मूला को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सो फिर इसके बाद हमारा है नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला। तो नेक्स्ट टॉपिक है लेंस सूत्र तथा आवर्धन, इसका मतलब लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। तो हम लोग दर्पण सूत्र में देखा था कि दर्पण सूत्र में होता है 1/V + 1/U = 1/F, ऐसा हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र में। बस इसी को यहाँ पे माइनस कर देना तो आपका हो जाएगा लेंस फॉर्मूला। और फिर मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, आवर्धन तो आवर्धन क्या होता है, किसी भी प्रतिबिंब तथा उसके वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो ये तो आप लोग डेफिनेशन लिखा हुआ आप लोग का, तो बस इसे हम लोग देख लेते हैं।
तो ये हो गया आपका आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और ये आपका हो गया लेंस फॉर्मूला। फिर इसके बाद हमारे पास एक एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को हम लोग लास्ट में देखेंगे, उससे पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो इसमें जानते हैं क्या होता है, किसी भी लेंस द्वारा लाइट रे जो होता है उस किसी भी लेंस द्वारा लाइट रे को अपसरण या अभिसरण करने की जो क्षमता होता है, उसका पावर होता है, उसे हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया ये उत्तल लेंस हो गया, लाइट रे ऐसे करके आया और ये अपसरित हुआ। तो ये जो कैपेसिटी है किसी लेंस का, तो इसे ही हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं या क्षमता कहते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। किसी भी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरण तथा अपसरण करने की मात्रा डिग्री को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर है। इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? डायोप्टर। तो अब अभिसरण या अपसरण मतलब कि लाइट रे को वो कितना फैलाता है और कितना लाइट रे को वो एक जगह पे लाता है। जैसे कि उत्तल लेंस में क्या होता है, लाइट रे ऐसे आता है और एक जगह फोकस होता है, मतलब एक जगह जमा होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है कि लाइट रे आता है ऐसे और वो फैल जाता है। तो यही जो फैलने और जो एक जगह पे फोकस करने का जो लाइट का जो कैपेसिटी होता है ना किसी भी लेंस का, तो उसे ही हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। इसे पी से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक आपका डायोप्टर होता है। फिर नेक्स्ट है आपका लेंस की क्षमता को फोकस दूरी, फोकस दूरी व्युत्क्रम में लिखा जाता है। इसका मतलब कि लेंस की क्षमता को फोकस दूरी के व्युत्क्रम में लिखा जाता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उसके बटे में, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसके बटे में या ओपोजिट। तो लेंस का क्षमता हम लोग पी से डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो पी इक्वल टू आपका क्या हो गया, पी इक्वल टू हो जाएगा आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग एफ से लिखते हैं, व्युत्क्रम इसलिए हम लोग बटे के नीचे लिखे और ऊपर में वन। तो ये आपका हो गया लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। गाइस तो हमारे पास एक पॉइंट है, दैट इज वन डायोप्टर है। तो इसे हम लोग को डिफाइन करना है कि वन डायोप्टर होता क्या है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लेंस की जो क्षमता होता है, पावर होता है, वो होता है उसका जस्ट फोकस दूरी जो भी होता है उसका उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वन डायोप्टर मतलब क्या हो गया? तो वन डायोप्टर मतलब सिंपल यही होता है, वैसल। तो वन डायोप्टर आपका होता उस लेंस की क्षमता, उस लेंस की क्षमता जिसका फोकस दूरी आपका 1 मीटर है, यानी मतलब ऐसा। जैसे सपोज जैसे कि वन डायोप्टर है आपका, तो पी इक्वल टू आपका क्या दिया, वन। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, वन इक्वल टू वन एफ, ठीक है। तो एफ को इधर लेके जाएंगे तो एफ इंटू वन, एफ हो गया इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोकस दूरी है वो आपका 1 मीटर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक डायोप्टर क्या होता है, उस लेंस की क्षमता जिसका फोकस दूरी 1 मीटर होता है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर 10 जो था वो कंप्लीट होता है।
एंड आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है तो आपके दिमाग में, तो आप कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन दे देंगे। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा तो फिर तो भी कमेंट करें, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। तब तक के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच।